मेरे पास शाम को 6-7 बजे किसी का टेलीफोन आया कि साहब 3-4 दिन तक थोड़ा आप ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी, चूंकि इनपुट ऐसा था तो मैं भी मिलने जुलने में सावधानी बरत रहा हूँ, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हमको डर गए। मैं बात करूंगा डी साहब से आज कि भाई आप बताएं, क्लियर करें क्या मामला है। नमस्कार दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश में एक नई सियासी चर्चा शुरू हो गई है। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। मीडिया से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्हें कई बार धमकियां मिलती रही हैं और उनके समर्थकों ने सरकार से सुरक्षा की मांग भी की है, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास था जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। हनुमान बेनीवाल इस मामले को लेकर आज DGP से मुलाकात भी करने वाले हैं। वहीं RLP सुप्रीमो ने कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, उनकी सुरक्षा उनके समर्थक और प्रदेश के नौजवान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के एक बयान ने सियासत का बाजार गर्म कर दिया है। जब CP जोशी से पूछा गया कि कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेता ब्यूरोक्रेट भाजपा में शामिल होना चाहते थे और अब भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में भी भाजपा हनुमान बेनीवाल के संपर्क में थी, लेकिन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल भले ही एक सीट जीत पाए हों, लेकिन वोटों के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस के बाद वे तीसरे नंबर पर रहे। अब लोकसभा चुनाव से पहले BJP प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के इस बयान से सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है।